नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए, मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और जिसका असर एक घंटे में देखना चाहते हैं, यानी कि जल्द से जल्द जिसका असर देखना चाहते हैं, उस तरह का आपको उपाय बता रहे हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिससे कि अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति, आपका प्रेमी, जिसे आप चाहते हैं, उसे अपने करीब लाना चाहते हैं, उसे अपनी तरफ मोहित करना चाहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा प्रेमी है जो आपसे रूठ कर जा चुका है, या जो आपकी बात को नहीं समझ रहा, या जो आपसे नाराज हो चुका है, वो अब आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाह रहा, और आपका उसके बिना रहना अब असंभव हो चुका है, या वो आपके लिए सीरियस नहीं है लेकिन आप उसे बेहद प्रेम करते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिससे कि कोई व्यक्ति अगर आपको आपसे रूठ कर जा चुका है, या फिर आपको बुलाना नहीं चाहता, रिश्ता खत्म करना चाहता, या आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, या आपके प्यार को कबूल नहीं कर रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले के दिल में आपके लिए प्रेम आएगा, इज्जत आएगी, वे आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके करीब चलाएगा, और कभी जिंदगी में आपके छोड़ने का विचार उसके कभी भी जहन में भी नहीं आएगा। तो ये जो उपाय करना है, जो टोटका करना है, ये दो लौंग के द्वारा करना है। आपने क्या करना है, ये जो उपाय है आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी दिन करें, लेकिन शाम के समय करें, 6 से 8 बजे के बीच बीच। आपने जमीन पर बैठ जाना है। आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए एक कांच का गिलास, इसमें आपने पानी भर लेना है। आधा कांच का गिलास पानी से आपने भर लेना है। पानी साफ होना चाहिए, जिसका ध्यान रखना है, और अपने सामने रख देना है वह कांच का गिलास, और दो लौंग को आपने पानी के अंदर डाल देना है। और आपने उस व्यक्ति का नाम, जिसको भी अपने ओर आकर्षित करना है, जिसको अपना प्रेम समझाना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम एक बार लें। एक बार उस व्यक्ति का नाम लेने के बाद आपने 11 बार आपने मंत्र बोलना है। आपने बोलना है ओम वश्यम कुरुम भवंती स्वाहा, ओम वश्यम कुरुम भवंती स्वाहा। ये किसी को वश में करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, कि वो आपका दीवाना हो जाए, आपकी तरफ मोहित हो जाए, उसके लिए बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। तो आपने ये मंत्र बोलना है ओम वश्यम कुरुम भवंती स्वाहा 11 बार। पहले इस व्यक्ति का नाम लेना है, और जब नाम ले रहे हैं, चाहे आप मंत्र बोल रहे हैं, पानी की ओर देखते हुए बोलना है। उसके बाद आपने ये सारा पानी पी लेना है लौंग के समेत, लौंग के समेत आपने ये सारा पानी पी लेना है। इसमें दूसरी प्रक्रिया भी है, अगर आप लौंग नहीं खा सकते हैं, मान लीजिए आप लौंग नहीं ले सकते हैं, या आपके शरीर में नहीं सेट हो रहा है लौंग लेना, या लौंग आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पानी पी लीजिए। जो दो लौंग होंगे, इसे आप किसी चौरस्ते पर भी रख कर आ सकते हैं, और आपने वापिस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लौंग की तरफ देखना नहीं है दोबारा। और अगर आप ले ग्रहण कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, इसे आपने प्रॉपर पी लेना है, और लौंग भी आपने साथ ही मतलब निगल लेना है, खा लेना है। ये चीज का आप दोनों में से कुछ भी सकते हैं। तो ये चीज जब आप करेंगे और आप देखेंगे, ये टोटका आप या तो शनिवार को करें या तो मंगलवार को करें, शाम के समय करें, और आप देखेंगे इस टोटके के बाद का असर ये होगा। ये जो उपाय है, जिससे कि जो कि सहायता से है लौंग की, तो लौंग बहुत तरह की किसी को आकर्षित करने के लिए, वश में करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी, अपने आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए ज्यादातर लौंग के या इलायची के प्रयोग किए जाते हैं। तो लौंग का ये जो प्रयोग है, ये बड़ा ही प्रभावशाली है, जिससे कि आप रूठे हुए प्यार को, या आपको बिछड़े हुए रिश्ते को, या कोई आपके प्यार को समझ नहीं रहा, या कोई किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस तरीके के प्यार के प्रयोग के लिए बड़ा काम आता है, इस तरह के उपाय के लिए काम आता है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, आपको बड़ा ही जल्दी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ी जल्दी, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसे, वो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, उसको आपकी याद आ रही है, लेकिन इसको बड़े ही विश्वास के साथ करना है कि हाँ, मैं ये उपयोग कर रहा हूं, ये टोटका कर रहा हूं, तो मुझे इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो अगर आप इसको विश्वास के साथ तो 101% आपका काम बन जाता है। इसे किसी भी गलत पर्पस के लिए यूज मत कीजिएगा। किसी से सच में आपको दिल से प्यार है, सच में उसे जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो आप ये प्रयोग कीजिए, और आपका ये प्रयोग जरूर सफल होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।